लोग का एकत्रित होना यहाँ से मतलब स्टार्ट हो गया और धीरे धीरे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हमारे एसएसबी कैंप वाले जो जवान थे वो भी यहाँ पे मौजूद हो गए। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। दोस्तों आज की इस वीडियो में ब्लॉग बनाने वाला और काफ़ी बेहतरीन ब्लॉग होने वाला, क्योंकि हमारे पास लुक वगैरह जो देख रहे हैं आप, चेंज वगैरह देख रहे हैं, टोपी वगैरह और ये टी शर्ट वगैरह मिला है ये अपने घर से नहीं लाए, बल्कि हम लोग अभी आ रहे थे फील्ड के तरफ, मतलब फील्ड की तरफ घूमने के लिए हम लोग आ रहे थे। बट यहाँ का जो हमारे गाँव में एसएसबी कैंप है उनके थ्रू से कुछ एक मोर्चा निकाला जा रहा है और क्या मोर्चा है वो आपको आगे पता चल जाएगा। फिलहाल ये देख सकते हैं हमारे जो लड़के लोग यहाँ पे एकजुट हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं सामने काफ़ी बेहतरीन तरीके से लुक वगैरह बन चुका है इन लोग का, देख सकते हैं। और क्या भाई, ठीक है? ये देखिए हमारे संतोष भाई हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, आप लोगों को हर एक की मिला गया। ये रहा कृष्ण कुमार, मंटू, रवि एक्सपर्ट बॉय, और ये रहा हमारे सबसे बड़े गुरु भैया जो हेड यही होंगे, और ये रहा, और ये रहा देख सकते हैं हमारे कांग्रेस भैया, और ये रहा हमारे चंदन भैया। आप टी शर्ट नहीं पहने भैया? अच्छा, ये आप पोस्टर लिखे हैं, अभी टी शर्ट और भी आ रहा। और ये देखिए कुछ लोग अभी टी शर्ट कहाँ गया तुम्हारा? मेरा टी शर्ट अभी नहीं आया। अच्छा, अभी टी शर्ट नहीं आया भाई, टी शर्ट पहनो। और ये रहा, यहाँ देखिए सब लोग टी शर्ट वगैरह पहन रहे हैं। और इसको देखिए, एक छोर के डबल डबल टोपी लगाया मंटू भाई, कैसा लग रहा है टी शर्ट पहनकर? और ये देखिए यहाँ पे पोस्टर वगैरह लगा हुआ है। फिलहाल इस पोस्टर के बारे में और भी डिटेल में हम लोग बात करेंगे, फिलहाल जो इनका अध्यक्ष मतलब होगा उनसे भी बाप लोग को मिलाएंगे और क्या मोर्चा कहाँ से क्या होने वाला उन सारे चीज़ों को मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपसे बात करेंगे। फिलहाल अभी ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, काफी बेहतरीन और काफी इंटरेस्टिंग ब्लॉग आज का होने वाला है। वो कौन हमारे दे दियो? तो दोस्तों अभी फिलहाल हम लोग चल रहे हैं थाना के आस, मतलब जो गांधी जी का फोटो हम लोग लाना भूल गया, जो लाने वाले थे वो अभी तक लड़का आया ही नहीं है, तो हम लोग का फोटो का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। अभी हम लोग चल रहे हैं, यहाँ पे थाना है बगल में, तो शायद उनसे हेल्प लेंगे, अगर वो लोग दे देते हैं तो और भी बढ़िया रहेगा। क्या रवि भाई, मस्त आ रहा है? बोलिए, कैसा फील लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये लोग जो इसका जो डेकोरेट किए हैं ये कौन किए हैं? माननीय चंदन भैया जो है। अच्छा, हमारे चंदन भैया किए ना, उनका अध्यक्ष वही है? अच्छा, उनका अध्यक्ष वही है, देख सकते हैं। तो अभी फिलहाल चलते हैं और देखते हैं क्या क्या सीन होगा। अभी तो इसके बारे में कोई नॉलेज वगैरह नहीं हम लोग के, बस हम लोग का टीचर वगैरह मिल गया पांडे। और ये देखिए हमारे संतोष भाई और हमारे गुरु जी। ये डबल डबल टोपी तुम कहाँ पहन लिया भाई? ये देखो देखो, ये डबल डबल टोपी लगे। तो दोस्तों देखते हैं, जो टी शर्ट वगैरह घटा था स्टूडेंट को, यहाँ फिर से टी शर्ट आ गया। और ये रहा हमारे बड़े भाई, क्या बोलता है भाई, सोनेलाल का नाम है भाई, संदीप कुमार। ये भी देखिए यहाँ पे टी शर्ट इसको भी मिल गया है, और कुछ टी शर्ट घट गया था उसके पास, अभी टी शर्ट नहीं मिला टी शर्ट रे, हाँ मिल गया है। और ये टी शर्ट फिर देखो यहाँ पे, कोई बात नहीं, सब ठीक है। ये भाई देखो डबल डबल टोपी ले, दो स्टाइल को टोपी ले रहे, स्टाइल टोपी खोलो भाई, ऊपर से लगाओ ये। और कुछ टोपी यहाँ पे आ गया है, यानी जो टी शर्ट वगैरह घटा था वो भी यहाँ पे आ गया है, और अभी मिल गया, अभी भी पूरा चीज़ यहाँ पे चूक नहीं हुआ है। अभी भी हम थाना प्रभारी लोग मतलब शायद पता नहीं क्या ड्रामा कर रहे हैं, उनसे एक फ़ोटो मांगे थे, मतलब सिर्फ और कुछ नहीं था, गांधी जी का फोटो बोले ना कि गांधी जी का फोटो हम लोग लाना भूल गए, तो यहाँ थाना से मांग रहे फोटो। बट इतना सोच रहा है यार, पता नहीं क्या ऐसा महाराज है, ये फोटो तक ये लोग नहीं भी निकाल के दे रहे हैं। बट कोई बात नहीं, हम लोग किसी न किसी तरह से एडजस्ट कर लेंगे। क्या फोटो नहीं दे रहा है? नहीं दे रहा है। दे रहा है? कितना टाइम लगा रहा है, इतना सोच क्यों रहा है? दो मिनट करके घंटा पार कर दिया, पता नहीं भौकाल आदमी है कैसा आदमी है। बट कोई बात नहीं, हम लोग अपने काम से आए तो अपना काम पूरा करके ही जाएंगे, है ना। ये देखो भाई साहब खतरनाक है लोग, देखो। और अभी भी देखिए वहाँ पे और भी भाई सब जुट रहे हैं, अभी हम लोग जुट ही रहे हैं, अभी पूरा लोग यहाँ पे एकजुट नहीं हुआ है क्या, अभी और भी आएगा ना। माइक ओहो, ये भाई साहब को देखो बहुत तकलीफ हो रहा है। थैंक यू भाई कि आप लोग मतलब तुमको मेरे बारे में थोड़ा सा सोच है। माइक वगैरह खोज रहा था, बट कोई बात नहीं, हम लोग का एकाएक ये प्रोग्राम पता चला, हम लोग अभी आए थे कुछ और काम से। ये भाई साहब हमको इन्वाइट किया था, थैंक यू भाई। ये जो संतोष भाई था इन्हें इन्वाइट किया, बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, तुम पहले बोला माइक वगैरह लेकर आते हैं। बट कोई बात नहीं, आप लोग कंटिन्यू बने रहिए, हर एक चीज़ कोशिश करेंगे और वॉइस जितना हो सके उतना क्लियर में आप लोग को देने का कोशिश करेंगे, बट देखते हैं क्या होता है। अरे
यहाँ पे देखिए स्वच्छता आरंभ हो गया और यहाँ से आप लोग जो स्वच्छता जो होता है वो कार्यक्रम स्टार्ट कर दिए साफ सफाई के लिए, और यहाँ ऐसा ही मतलब प्रक्रिया करते हुए हम लोग जो है निकलेंगे आगे की ओर। हाँ, और कचरा फैलाना नहीं है, उसको एकजुट करके एक जगह कहीं देखिए वहाँ पे प्लास्टिक दिया हुआ है, हाँ उसमें आपको रखना, ठीक है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू भाई। ये देखिए अमरजीत भैया, कचरा को फैलाना नहीं बल्कि उस बोरा में आपको डालना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि इधर से उठाइएगा कहीं और बिक दीजिएगा। हाँ देखिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, ये देखिए कितना खतरनाक तरीके से लोग अपने मतलब ये है, अभी भी मतलब जो इंसानियत चीज़ है वो अभी भी बरकरार बना हुआ है यहाँ पे, ये देखिए है ना, काफ़ी बेहतरीन लगता है जब ऐसे चीज़ देखने को मिलता है हमारे देश में, तो काफ़ी बेहतरीन लगता है। वो भी फिलहाल अभी हमारे ज़िला में, और भी शायद हर किसी ज़िला में ऐसा ही हो रहा होगा शायद, अभी आप लोगों को और भी आगे दिखाएंगे। ऐसा ही क्रिया करते हुए हम लोग अभी गाँव की तरफ चलेंगे, गाँव से यानी लगभग 10 किलोमीटर हम लोग ऐसा ही करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ सब स्टार्ट हो गए हैं, तो फाइनली दोस्तों यहाँ जो फील्ड सा ग्राउंड से मतलब यहाँ सब हम लोग निकल रहे हैं गांव की तरफ, और यहाँ से सभी लोग एकजुट हो चुके हैं। भैया कहाँ तक हम लोग निकलेंगे अभी? हम अभी बीयर कैंप चलेंगे, ग्राम बनू बगीचा से, अभी नक्सल थाना से हम लोग बीयर जा रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे माता दुर्गा स्थान का मंदिर है। हाँ, और हम लोग वहाँ पे सफाई सुथरा मतलब करवाएंगे। अच्छा, अभी हम लोग यहाँ से मतलब नक्सल थाना से स्टार्ट किया, बीयर चौक तक जाना है ना, गाँव होते हुए जाना है ना, होते हुए चलना है। चलिए थैंक यू। तो अभी हम लोग गांव होते हुए निकलेंगे नक्सल थाना से, अभी स्टार्ट किए मतलब पीछे देखते नक्सल थाना, और आगे हम लोग निकल रहे हैं अभी क्या बोलता है गांव होते हुए निकलेंगे एसएसबी कैंप के पास। तो फाइनली दोस्तों हम लोग गांव से भी रिटर्न हो चुके हैं, गांव के अंदर चल गए, गांव के अंदर ब्लॉग नहीं बना पाए क्योंकि हम लोग अभी कचरा उचरा उठा रहे थे, इसलिए गांव के अंदर ब्लॉग नहीं बना पाए क्या भाई, है ना। हालांकि गांव से हम लोग निकल गए, जो बन्नू बगीचा गांव था यहां से हम लोग अभी साफ़ सफाई करके निकल रहे हैं। एक चीज़ तो मतलब स्वाभाविक पता चल जाता है कि जब किसी को मोटिवेट करते हैं ना तो मोटिवेट होता है, जब मोटिवेट नहीं करेगा भाई तो कौन करेगा। इसलिए आप लोग भी ऐसा करिए, आप अपने गांव में भी ऐसा जुलूस निकालिए, और एक सावधानी मतलब संविधान के मतलब पालन करते हुए किसी को मतलब किसी को क्षति भी नहीं पहुंचाना है और ना कोई गलत काम करना, ठीक है? आप लोग नियम के अनुसार से आप लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, और देखते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से ये लोग निकल रहे हैं। ये देखिए बहुत ही कंप्लीट तरीके से जा रहे हैं हम लोग, और ये हमारे मंटू भाई जो कि डायरी मेंटेन कर रहे हैं, मतलब सभी लोग इसमें नाम वगैरह लिखा जा रहा है कि कौन कौन लोग मतलब इसमें भाग लिए हैं। गांधी बाबा थे वो निपट गए आज ही के डेट पे, तो हम लोग उनके शोक समा में ये जयंती कर रहे हैं। अच्छा है ना, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और आगे भी आपको हर एक चीज मतलब अपडेट देखाएंगे क्योंकि चौक है ना, चौक तो अभी मेन बाकी है भाई, तो बोलता है ना कि अभी तो ये स्टार्ट ही हुआ है, अंत अभी बाकी है, अंत में देखिए क्या होता है और बीच में भी कुछ होगा। दोस्तों यहाँ पे देखते हमारे एसएसबी कैंप वाले जो जवान थे वो भी यहाँ पे मौजूद होंगे, और आगे हमारा भी लोगों के साथ जो भी होगा फोटोग्राफी वगैरह यहाँ पे हो रहा है। ये देखिए ये लोग जो हमारे एसएसबी साहब जो ये भी अब कंप्लीट इसमें भाग ले लिए, और शायद लेट थोड़ा सा कर दें, ये देखिए पूरी तरीके से ये लोग डिसाइड हो रहे हैं, और अभी ये लोग इन स्कॉर्पियो सभी लोग उतरे थे, अभी लोग रास्ते से ये लोग जा रहे थे, ठीक ना। तो देखिए इसका क्या कितना महत्व है कि इन लोग भी सम्मिलित हो गए इस यात्रा में, है ना। और दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जब हम लोग स्टार्ट किए थे उस टाइम कितना कम मात्रा में हम लोग स्टार्ट किए थे, बट यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही हम लोग निकले वहाँ से लोग का एकत्रित होना यहाँ मतलब स्टार्ट हो गया, और धीरे धीरे जो यहाँ पे लोगों की जनसंख्या वो बढ़ता ही जा रहा है हमारे इस यात्रा में, और इन सभी लोगों का सपोर्ट मिल रहा है ताकि आगे भी लोग मोटिवेट हो पाए। तो दोस्तों अभी हम लोग जो यानी नक्सल थाना से जो स्टार्ट किए थे हम इस यात्रा को, अभी गांव होते बन्नू बगीचा गांव होते हुए अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बीयर चौक पे, और यहां पे हमारे एसएसबी के जवान भी मतलब सम्मिलित हो गए। और देखते हैं दोस्तों यहां पे बीयर चौक पे जो है ना माता दुर्गा रानी का जो प्रतिमा यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे मंदिर विराट बन रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी साफ़ सफाई यानी हमारे गांव का नवयुवक लोग जो है यहाँ भी साफ़ सफाई में भाग ले रहे हैं, और यहाँ भी शायद माता रानी का यहाँ पे सफाई की माय हो गया है, मतलब एक गांधी जयंती का तो मन ही रहा है, और यहाँ पे साफ़ सफाई का कार्यक्रम भी यहाँ पे संपन्न हो जाएगा दोस्तों इस यात्रा से। तो यात्रा जो समाप्त होने वाला कंप्लीट हो चुका है, हम लोग यात्रा कंप्लीट हो गया, और ऐसा ही आप लोग ब्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।